एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। नीट यूजी 2022 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। आप लोगों को बता दूं, नीट यूजी इस बार भी 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इस बार भी समय पे नहीं हो पाएगा। इस बार भी एग्ज़ाम में डिले देखने के लिए मिलेगा, एंड थोड़ा भी डिले नहीं देखने के लिए मिलेगा, ऑलमोस्ट उतना ही डिले हमें देखने के लिए मिलेगा जितना कि नीट यूजी 2021 में देखने के लिए मिला था। एंड आप सभी को पता होगा कि नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा समय इस बार भी इस प्रोसेस में लगने वाला है, नीट यूजी 2022 में लगने वाला है। आप लोगों को मैं बता दूं, जो कोरोना वायरस है, जो कोविड है, उसका जो न्यू वेरिएंट है दैट इज़ ओमिक्रॉन, उसके जो केसेस हैं वो लगातार इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। उसके ऑलमोस्ट लास्ट 24 आवर में हमारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख जो केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। उसके साथ साथ अमरीका में डेली के 10 लाख केसेस जो है हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्पीड पे है। एंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो प्रीवियस डे है उससे भी प्रीवियस डे से हमने डबल जो है एक डे में, या आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि डबल जो केसेस हैं वो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कल की, तो कल हमें 90,000 कुछ केसेस देखने के लिए मिले। उसके कंपैरिजन में परसों हमें 56,000 कुछ केसेस देखने के लिए मिल रहे थे। तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं जो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो डे बाय डे डबल होते जा रहे हैं। एंड वो समय दूर नहीं है जब अमेरिका जितने केसेस हमें डेली देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में भी। एंड आप सभी को पता है, जब इतने ज़्यादा केसेस हो जाते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ऐसा ही सेम हमें नीट यूजी 2021 में देखने के लिए मिला। तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि इस बार भी टाइम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट यूजी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। बट आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन टाइम से ही करनी है ताकि आप लोगों को रिवीजन का समय जो है मिल सके। बट इस बार भी नीट यूजी 2022 भी टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पाएगा। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड जो हियरिंग यहाँ पर चल रही है, वो अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब अभी उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही मैं डिसीजन आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। बात करें नीट यूजी 2022 के एग्ज़ाम डेट क्या होने वाले, तो एग्जाम जो रहेगा वो अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड अगस्त में ही हमें जो है एग्जाम डेट भी देखने के लिए मिलेगी। अभी हम फाइनल डेट के बारे में नहीं बोल सकते कि क्या डेट होगी, बिकॉज कोई भी हो सकते हैं डेट, अभी तक ऐसा फिक्स नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली हमें जो एग्जाम रहेगा, नीट यूजी एग्जाम रहेगा, वो हमें अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगा। अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।